सभी को नमस्कार। आज डॉक्टर उमेश शर्मा ने विशेष रूप से कहा कि आप सबके साथ बैठ के कुछ देर बात की जाए, और पहली बार उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, प्रोग्रेसिव इंटरवेंशन फॉर जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। तो मुझे पुराने दिन कॉलेज के याद आ गया, आज जब लेक्चर होते थे और मैं कुछ उन स्टूडेंट्स में था जो लेक्चर में बैक बेंचर्स था, तो पीछे बैठता था, इतना ध्यान लेक्चर पर नहीं देता। तो काफी देर से मैं सोच रहा था कि अपने सब वेटनेरियंस हैं और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं इस बारे में, क्योंकि मैं कोई बहुत ब्राइट और वो स्टूडेंट नहीं रहा। लंबा समय बहुत रहा यूनिवर्सिटी, शायद भगवान का आशीर्वाद था कि मुझे 15 साल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में बिताने का अवसर मिला। सन 1989 के एडमिशन के बाद 2004 तक की पीएचडी में, तो 15 साल मैं उस कॉलेज में रहा, और जब मैं कॉलेज छोड़ कर चला तो शायद उस समय भी मैं चाहता था कि मैं कुछ दिन और रह सकूं। तो आज के मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज और सब नॉलेज आप सबको मेरे से ज्यादा है, लेकिन 2014 में जब मैं कृषि राज्य मंत्री बना और कहीं ना कहीं इस विभाग में साथ जुड़ा, तो एक बार फिर बीच का एक दौर ऐसा था, राजनीतिक क्षेत्र में जब काम किया, कुछ और सामाजिक क्षेत्र में काम किया, तो अपना प्रोफेशन से कहीं ना कहीं दूर, थोड़ा सा दूर हो गया। लेकिन 2014 में जब इसी दोबारा इसी मंत्रालय में 2014 में इसी मंत्रालय में आया, तो एक बार फिर जैसे धूल किताबों पर चढ़ जाती है या आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो दोबारा एक प्रयास शुरू किया कि मैं भी क्या सब्जेक्ट था मेरा, क्या हम पढ़ते थे, चूंकि जो वहां पढ़ते थे वो यहाँ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। 2015 के करीब की बात है, पहली बार एक सोच पैदा हुई, बजट से पहले जो दूसरा बजट था हमारी सरकार का, 2014 में पहला बजट आया, 2015 में दूसरा बजट जो था, उससे पहले एक बात आई सोच दिमाग में कि भाई क्या ऐसा किया जाए कि जो अब तक रूटीन के काम है जो मंत्रालय में हो रहे हैं या एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए सभी प्रदेश सरकारें कर रही हैं, उससे अलग क्या किया जाए। तो पहली बार एक सोच डेवलप हुई। उस समय तक हरियाणा में सरकार बन चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार बनने के बाद एक, मैं विशेष रूप से जब भी मैं कभी हिसार जाता था, हरियाणा जाता था, तो एक बड़ी समस्या दिखाई दी, वो थी कि सड़कों पर गाय बछड़े घूमते हुए मुझे बहुत दिखाई दिए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहले सरकारों में जो होता था मैं कहना नहीं चाहता, और हमें पता था कि इस समस्या का समाधान क्या हो, तो उस समय दिमाग माफी चाहता हूँ, कुछ लैपटॉप में समस्या आई तो मैं फोन पे आ गया। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे इन बातों की शुरुआत इंडिया में हुई, लेकिन हम अभी तक सेक्स ह्यूमन की इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए। करीब जब पहली बार बात हुई तो शायद मुझे लगता है कि उत्तराखंड का पहला सेक्स ह्यूमन का सेंटर शुरू हुआ कालसी में, तो शायद एक डोज सेक्स ह्यूमन की 1000 या 1100 रुपये की थी। अभी हमने जो लेटेस्ट इसके बाद हापुड़ का शुरू हुआ, हापुड़ में हम 575 रुपये तक शायद एक डोज के ऊपर ले गए, और जो नहीं है उनमें कोशिश कर रहे हैं कि और डोज में और कमी आए। इसके साथ साथ एनडीडीबी ने भी शुरुआत की थी, हमने उस समय कहा था 2015 में एनडीडीबी को, और शायद एनडीडीबी किसी के साथ कोलेब्रेशन में ये सेक्स ह्यूमन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, और मुझे उन्हें अश्योर किया कि इस साल तक हम इंडिजिनस अपने देश की सेक्स ह्यूमन टेक्नोलॉजी को लाएंगे, उन्हें अश्योर किया है, लेकिन अभी तक वो नहीं। जो हर्डल्स है मैं उन पर बात करना चाहता हूँ आपको। अब 30 जो ईटी और आईवीएफ की लैब के जो 2015 में हमने पैसा दिया था, शुरू की थी 2015-16 में, उनमें से करीब आप कह सकते हैं कि 12-13 लैब सब काम शुरू हो चुका है, बाकी लैब कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज में है। लेकिन एक दुर्भाग्य देखिए, मैं भी 2-3 दिन पहले रिव्यू कर रहा था, तो कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं, मेरे याद है महाराष्ट्र, हमने 120 एम्ब्रियो पैदा किए और काफ बर्थ 0। जहां टारगेट ईटी और आईवीएफ लैब का था कि हमें टारगेट थे कि 300 या 400 हम काफ पैदा करें हर साल हाई जेनेटिक मेरिट के, वहां दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में हम, या तो हम इस टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है, हो सकता है कुछ समस्याएं भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स पर ट्रांसफर्स हैं, एक सोच है। तो अभी मैंने 2 दिन पहले स्टेट गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा है कि जो भी वेटनेरियंस इनमें ईटी और आईवीएफ लंबी अवधि के लिए काम करें, उनके के साथ मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसके बाद कुछ वेटनेरियंस ब्राजील ट्रेनिंग पे जाएं,
IVF की ट्रेनिंग के लिए, ET की ट्रेनिंग के लिए। आज मुझे आवश्यकता है पूरे देश के लिए करीब 8,500 हाई मेरिट बोल के लिए। और एक अजीब बात सोचिए कि मुझे देश में मात्र 4400 हाई जेनेटिक पास है, हमें डबल चाहिए। क्या तरीका है? एक तो पुराना तरीका है जो हम करते आए कि हमें 5-6 साल में हमें एक बुल मिलेगा, बड़ी मुश्किल से उसकी जेनेटिक मेरिट हम देखेंगे। एक है कि हम ईटी और आईवीएफ के द्वारा बुल, हाई जेनेटिक मेरिट का बुल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जीनोमिक चिप आ चुकी है, लेकिन अपग्रेडेशन चल रहा है, शायद 1 साल के अंदर जीनोमिक चिप, जिससे हम पता कर सकेंगे वाकई जेनेटिक मटेरियल क्या है। जब हम कॉलेज में थे, आप सब मेरे साथ थे, मैं कहीं कोई सीनियर था, कोई जूनियर था, सब साथ ही हम लोग, हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। हमारा उस समय तक सोच थी कि हम वेटनरी माए हैं, या तो ट्रीटमेंट करेंगे, यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं टीचिंग करेंगे, इन पर हमें कभी ध्यान नहीं दिया गया। मंत्रालय में आने के बाद पता लगा कि प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर किस बात की आवश्यकता है। ग्राउंड लेवल पर जब हम बात करते हैं एज ए प्रोफेशन में हमें कैसे आगे बढ़ाना है, हम क्या किसान को दे सकते हैं, जेनेटिक्स सबसे इंप्रूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात वो है तो जेनेटिक्स। जब तक जेनेटिक मटेरियल दे सकते हैं, हमारी आज के दिन में जो हमारी इंडिजिनस गाय थी, हमारी गिर ब्राजील ले गया 40 लीटर 50 लीटर पे, और हम आज भी 10 और 12 लीटर पे घूम रहे हैं। तो जेनेटिक मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर काम जेनेटिक्स पर होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे हमेशा डर लगा, पूरी डिग्री के दौरान न्यूट्रिशन मेरी कभी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में आके मुझे पता लगा जब मैं मंत्री बना कि न्यूट्रिशन कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी फार्म हो, चाहे वो डेयरी फार्म होगा, पोल्ट्री फार्म होगा, पिगरी होगा, गोटरी होगा, जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड फार्म है, जो भी आप करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है न्यूट्रिशन। आप देखेंगे तो 75% जो कॉस्ट है टोटल, इनपुट जो भी होगा वो न्यूट्रिशन का होगा, 25% में लेबर कॉस्ट और बात होंगी। न्यूट्रिशन क्यों महत्वपूर्ण है? न्यूट्रिशन इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूं। अभी मैं एक दिन मथुरा गया, एक इंजीनियर मुझे मिला, उसने कहा मंत्री जी, मैं जब भी कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, मुझे समय होता है तो मैं प्रयास करता हूं जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, चाहे वो डेयरी के हों, पिगरी के हों, पोल्ट्री के हों, उन सबसे एक बार बात की जाए। तो इंजीनियर लड़का था, मैंने उसे कहा भाई आपके कितने फार्म है? उसने कहा जी मेरे 3 फार्म है समय पिगरी के, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। मैंने कहा भाई अपना अनुभव बताओ। उसने कहा अनुभव ये है कि जी मैंने जब इंजीनियर था, पता नहीं क्यों मेरा पिगरी में इंटरेस्ट आया, मैंने पिगरी फार्म खोल लिया। जब मैंने पिगरी फार्म खोला तो मेरा 1 साल में पिगरी फार्म नहीं चल पाया, क्योंकि मैं फीड लेता था, फीड था 22 से 23 रुपए किलो, और उसके बाद मुझे घाटे में। तो मैंने पिताजी को कहा पिताजी मेरे से चलो भाई कुछ और काम कर लो। तो मैंने एक आखिरी सोचा, ये नवीन क्यों फोन कर रहा है, उसे समझ में पता नहीं। मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, बार बार डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने देखा सबसे बड़ी कॉस्ट है, और न्यूट्रिशन में सबसे बड़ी क्या है कि मैं 23 रुपए किलो 24 रुपए किलो का फीड खिला रहा हूँ। तो उसने मथुरा और आगरा की बेल्ट में आलू बहुत है, छोटे आलू 2 रुपए किलो लिए, सब्जी मंडी से सब्जियां ली 2 रुपए किलो, जो सबसे सस्ती सब्जियां थी। आज मुझे लगता है 700 के करीब उसके पास फार्म पे, पिगरी फार्म पे 700 एनिमल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन है ग्राउंड लेवल पर, जब आज एज ए उसमें जाते हैं उसके लिए। तो आज के दिन जब दोबारा इस मंत्रालय में, मैं 2019 में चुनाव के बाद दोबारा इस मंत्रालय में आया, नया मंत्रालय बना, थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ी कि नहीं मैं पहली बार एनिमल हस्बेंड्री की अलग मिनिस्ट्री बनी है, कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमारी भी एक पहचान होगी, हमारा भी एक वजूद होगा देश में अलग एज ए वेटनेरियन, हम वेटनेरियन हैं। तो इन बातों पर काम शुरू किया मैंने, शुरू में ही सोच लिया कि जेनेटिक्स पे काम करेंगे, मैंने सोचा न्यूट्रिशन पे बात काम करेंगे। और अभी जो कोविड का संकट आया, इसमें मैं सभी अपने भाइयों को, वेटनरीज को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जहां जहां मेरी बात हुई कि ज्यादातर स्टेट्स में कहीं ना कहीं कोविड के दौरान भी हम डरने वाले लोगों में से नहीं रहे, हमने कहा कि अगर वेटनरीज काम कर सकता है तो हम काम करेंगे, हम कुछ लोग जो डरे उनकी तरह नहीं रहेंगे। भले ही हम फ्रंटलाइन में काम ना कर रहे हों, भले ही हम फ्रंटलाइन में मेडिकल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैक में वेटनेरियंस आज पूरे देश में काम कर रहा है। अभी हमें करीब, जो मेरे मंत्रालय को करीब 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 53,000 करोड़ का पैकेज हमारे मंत्रालय के लिए दिया गया, जिसमें मोटे तौर पर 20,000 करोड़ फिशरी के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन 2014 में हमने शुरू किया था, उसी की अगली कड़ी मैं करीब
मत्स्य संपदा के नाम से 20,000 करोड़ का पैकेज हमें मिला है। हमारा टारगेट है कि आज करीब 47,000 करोड़ की श्रिम्प्स और फिश हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमने सोच लिया है कि अगले कुछ सालों में हम इसे 1,00,000 करोड़ तक लेकर जाएंगे। 20,000 करोड़ का पैकेज सरकार ने हमको इसके दिया। 15,000 करोड़ का पैकेज डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें मिला है, क्योंकि डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना आज के, चूंकि बहुत से आज भी किसान कहीं ना कहीं जो सिस्टमेटिक मिल्क प्रोक्योरमेंट है उस सब आ रहे हैं, 15,000 करोड़ का पैकेज हमें उसमें मिला है। 5,000 करोड़ का पैकेज हमें कहीं ना कहीं इसके लिए मिला है, जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनको जो पेमेंट की समस्या है उसे देने के लिए। और करीब 13,500 करोड़ का हमारा पहला FMD प्लस ब्रुसेलोसिस का प्रोग्राम जो शुरू हो चुका है, इस साल आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं। कुछ बोटलनेक्स जिनके बारे में, ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है, जो सेटअप है, आपके यहाँ भी सेक्रेटरी हैं सब, ना तो वो ये सोचते कि भाई आप इस काम को करेंगे कैसे। आज पूरे देश में 3,00,000 वैक्सीनेटर्स की आवश्यकता है, क्योंकि हमें FMD करनी है साल में 2 बार करनी है, हमें PPR करनी है, हमें CPOX करनी है, हमारे बहुत तरह की। आप सोच FMD और एक बार HSC करेंगे हम और एक बार ब्रुसेलोसिस, तो कल्पना कीजिए, मुझे लगता है इसमें 6 एक तरफ वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद सरकार की आजकल इतनी योजनाएं हैं कि एक तरह से वेटनरियन ट्रीटमेंट के अलावा मैनेजमेंट का काम भी वेटनरियन का है। ये स्कीम है, वो स्कीम है, बहुत सी स्कीमें आ जा चुकी है, और उसके बाद एक वेटनरियन की एक बहुत बड़ी समस्या कि 30 से बात करेंगे तो 25-25-30 गांव में एक वेटनरी हॉस्पिटल है। शायद मध्य प्रदेश और प्रदेशों की भी यही समस्या होगी कि हमारा, तो हमें वैक्सीनेशन के लिए वेटनरियन से अलग एक फोर्स की आवश्यकता है। दो काम है जो मेरे मन में है, मैं आज आपके सामने साझा करना चाहता हूं। हमें दो बातों में हम आवश्यकता है, हम कई बार ये होते हैं कि हमारे प्रोफेशन में कुछ और लोग ना घुसे हैं जो या कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन देश में अगर दो आवश्यकता आज के दिन मुझे ऐसी दिखाई देती हैं, एक तो वैक्सीनेशन और एक AI के लिए। आज भी हम AI में 30% से 35% के बीच में, हमने अभी 1 अगस्त से ही जो सीमन था उसकी एक स्टैंडर्ड बना दिया है, जो एक सीमन बिकता था किसी की मर्जी है कोई सीमन का प्रोड्यूस कर रहा है वो हमने रोक लगा दिया। हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिख दिया है कि जो सीमन स्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है वही सीमन बेच सकते हैं। और जो मुझे बुढ़ाकर 100% पे लेके जाने, केरल एक ऐसा स्टेट है जो 90% सब हो गए, अगर मुझे वहां तक लेके जाना है तो अकेले वेटनरियंस इस काम को नहीं कर सकते, आप अच्छी तरह ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। अगर मुझे 52 करोड़ एनिमल्स को वैक्सीनेट करना है तो वो काम भी वेटनरियन अकेले मिलकर नहीं कर सकते, तो मुझे वैक्सीनेटर की आवश्यकता है, मुझे AI टेक्नीशियन की आवश्यकता है। जब तक हमें सुपरविजन करना है, हम देश में हैं कितने वेटनरियंस, अभी रजिस्ट्रेशन हुई है, मैं कल ही ले रहा था, चूंकि BCI के इलेक्शन होने हैं ड्यू हैं, और मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार का हमने कोशिश की कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, बहुत से डाक में खो जाते थे मत पत्र कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि 55 से 60 हजार के बीच कई रजिस्ट्रेशन हुई है। चलो हो सकता है, मैं समझता हूँ कि 20-30 हजार की नहीं होगी, तो अभी मुझे लगता है हमें 1,00,000 से नीचे नीचे, उससे ऊपर वेटनरियंस नहीं है। उसके बाद भी बहुत से वेटनरियंस प्राइवेट जॉब में हैं या कहीं और हैं, गवर्नमेंट सर्विस में जितने, मुझे नहीं लगता कि हम इस काम को अकेले मिलकर कर पाएंगे। मैत्री स्कीम हमारी मिनिस्ट्री की पहले से चली हुई है, 3 महीने की AI टेक्नीशियन और वैक्सीनेटर का हम ट्रेनिंग कराते हैं, उससे मेरा विचार है मैं सुदृढ़ करूँ, चूंकि 1,00,000 वैक्सीनेटर हैं और मुझे 3,00,000 की आवश्यकता है इन सब वैक्सीनेशन करवाने के लिए, तो मेरी एक इच्छा है कि मैं कमी कहीं से उन्हें सुदृढ़ करूं और वेटनरियंस क्वालिटी काम आए, सुपरविजन करें इनका, लेकिन जो क्वालिटी के काम है, जो अच्छे बाकी काम है हमारे हैं, ट्रीटमेंट भी हैं, उनमें हम ध्यान दें। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रोफेशन को अब कहां लेकर चलना है। देखिए, जब मैंने एडमिशन लिया 1989 में, तो हमें बताना पड़ता था वेटनरी क्या है। बहुत से लोगों को, आप सब लोग जो मेरे सीनियर हैं इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे, कहीं ना कहीं एक हीन भावना सी रहती थी कि हम क्या हैं, मैं वेटनरी हूं तो मैं क्या काम करता हूं। लेकिन समाज में भी अब सोच बदली है हमारे प्रति, और एक कहते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण स्थान भी हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन इस और इकोनॉमी में योगदान भी बहुत बड़ा है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात करूँ तो कई 1,00,000 करोड़ का बजट है, हमारा बजट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी 30-35% का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर GDP में हम लोगों का है। आज मीट एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए अगर है एक्सपोर्ट कैसे हो, फिशरी में एक्सपोर्ट में, मीट एक्सपोर्ट में, हम मिल्क का एक्सपोर्ट अभी तक नहीं कर पाए, उसके लिए बहुत सी समस्याएं हैं। एक तो समस्या है कि हमारे हर्ड्स छोटे हैं, हमारा किसान छोटा है,
दूसरी बात यह है कि मिल्क में प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में हम नंबर वन जरूर हैं, लेकिन इतने एनिमल हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें साइंटिफिक इंटरवेंशन अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए, वेटनरियंस को पहचान बनाने के लिए हमें साइंटिफिक इंटरवेंशन इस दिशा में करने पड़ेंगे। डॉक्टर का काम सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं है, उस आगे की भी है। मेरा तो अनुरोध है कि आप जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र में हैं, जहाँ अपनी पोस्टिंग में हैं, ब्रीडिंग पर विशेष रूप से ध्यान दें। अच्छे एनिमल्स को ब्रीड इंप्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, एक तो मेरा निवेदन ही है। एक मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे पास सभी स्टेट से मेरे भाई मैसेज करते हैं कि हमारी समस्या है कि पोस्ट कम निकल रही है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, कोविड के दौरान भी मैंने ज़्यादातर स्टेट के एनिमल हस्बेंड्री जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बात की है, और अभी शायद अगले 2-4 दिन में मैं सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखूंगा, सभी प्रदेश सरकारों को, करूँगा उनसे कि वेटनरियंस चूंकि एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, तो जितनी खाली पोस्ट वेटनरियंस की पूरे देश में है वो भरे। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताऊँ, ठीक है गवर्नमेंट सर्विस होगी, अभी मैं हमारे 7 फार्म्स हैं एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, इनको ब्रीडिंग फार्म्स का नाम दिया गया था, और ये फार्म्स को छोटे फार्म्स नहीं है। अगर हिसार की बात करो आप फार्म की, मेरा शीप एंड गोट का फार्म है, शीप ब्रीडिंग फार्म है बेसिकली, 2700 एकड़ में। मेरे पास लखीमपुर खीरी में 400 हेक्टेयर, कह सकते हैं 1000 एकड़, गुजरात में हजारों एकड़ की जमीन है, और उसके ऊपर हम एनिमल्स कितने रखते हैं, जो मेरा मंत्रालय खुद रखता है, मैं और किसी की बात नहीं करता, उसमें किसी में एनिमल्स हैं 200, किसी में 400, किसी में 500, और कोई किसी को फायदा नहीं हो रहा उस बात का। 50 करोड़ रुपए सालाना मैं उनके स्टाफ के ऊपर खर्च करते हैं हमारा मंत्रालय। अभी हमने सोचा कि हम पीपीपी मोड पाएंगे, हम उन्हें 7 के 7 फार्म में ETT और IVF लैब इस्टेब्लिश करेंगे, हमने पैसे यहां से भेज चुके हैं, उसके बाद हम सारी फैसिलिटीज हम देंगे वहां। ये IVF लैब में एम्ब्रियो पैदा होंगे, एम्ब्रियो के बाद काप पैदा होंगे वहीं पे। अब इसे किसे देंगे हम, कोई ना कोई कंपनी आएगी क्या? जो मेरे नए वेटनेरियंस हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता एक ग्रुप बने जिसमें जो 7 पढ़े हुए लोग हों, एक MBSC या PhD ब्रीडिंग हो, एक MBSC न्यूट्रिशन हो, एक मेडिसिन हो, इस तरह के हम 3-4 का ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के हम एक संस्था बनाए अपनी, और एक संस्था बना के सरकार के साथ हम क्यों ना जुड़े, क्यों बड़ी कंपनी जुड़े, क्यों BEF आए, क्यों JK ट्रस्ट आए, क्यों और आए बड़ी बड़ी कंपनी जो भी इस फील्ड में है, या हम विदेशी कंपनी की वेट करें, क्यों नहीं मेरा जो नया वेटरिनर, मेरा छोटा भाई है जो आ सकता है, वो इस फील्ड में क्यों ना आए। आज टाइम है अपनी सोच बदलने का, बिल्कुल समय है। बहुत से फील्ड ऐसे हैं जो छूते हैं, मैं जितने भी मेरे न्यूट्रिशन से जुड़े हुए वेटनेरियंस हैं जो कहीं ना कहीं MBSC या PhD न्यूट्रिशन है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, क्यों नया फीड फॉर्मुलेशन नहीं हो सकता, क्यों चीप फीड हम नहीं बना सकते, क्यों आज भी पिगरी का फीड 23 से 24 रुपए किलो है, क्यों पोल्ट्री का फीड मल्टीनेशनल कंपनी बनाएंगे, क्यों हम अपना नया फीड ईजाद नहीं कर सकते, क्यों किस में हम क्यों ऐसी हमारे गिरिराज जी मुरंगा के बारे में बात करते हैं, पहले मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन एक बार 2015-16 में गिरिराज जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा मोरंगा ऐसा है, हमने पहली बार ट्रायल करवाया मथुरा में, हमारा गोट फार्म है, उसके रिजल्ट ऐतिहासिक, 18 से 20% प्रोटीन मोरंगा में, आप देखिए सोचिए किस में हो सकता है, खोज किसने बनाया, पॉपुलर बनाया गिरिराज जी ने, वो एक आज मेरे बहुत से ऐसे हैं कि जिसमें हम न्यूट्रिशन पर काम करते हैं। मेरा निवेदन है ब्रीडिंग और न्यूट्रिशन में जो काम करना चाहते हैं, जो ग्रुप बना के काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोविड के बाद आके मुझसे मिल सकते हैं, मेरे टच में रह सकते हैं, मेरी बात कर सकते हैं। एक मेरे पास लगातार, चूंकि मैं कई दिन से क्षेत्र में था, एक इंटर्नशिप की प्रॉब्लम मेरे कुछ जूनियर्स ने भेजी है कि इंटर्नशिप की कुछ समस्याएं, कुछ एडमिशन में कुछ की इंटर्नशिप लेट हुई, उस चीज़ को ICR के साथ मिलकर PG के एडमिशन के लिए मैं सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, और कोशिश है, डॉक्टर गुरदयाल सिंह जो मेरे गुरुजी में हैं, वाइस चांसलर, उनका भी फोन आया था इस संबंध में, कोशिश करेंगे। एक बात और, जब मैं कॉलेज में था हम सोचते थे कि सीट बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जब भी कभी वेटनरी कॉलेज में सीट बढ़ती थी कोई ना कहीं, या नया कोई कॉलेज खुलता था, हम सबको समस्या होनी शुरू हो जाती थी कि कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय, आज सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में
एमबीबीएस के कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज। करीब करीब सरकार आने के बाद हमारी सरकार 25, पिछले 3 साल में 25 मेडिकल कॉलेज अकेले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं इस समय में, पुराने तो मुझे याद नहीं कितने हैं। और वेटनरी कॉलेज कितने हैं? एक मेरठ, एक मथुरा और एक फैजाबाद, मेरे 4 से, और एक शायद मिर्जापुर, हाँ मिर्जापुर शुरू हो चुका है। 4 वेटनरी कॉलेज हमारे उसमें इस समय उत्तर प्रदेश में। देखिए बदल रहा है, कंपटीशन तो होगा, संख्या हमें वेटनरीज की बढ़ानी पड़ेगी। आज भी कई मेरे मित्र आते हैं, वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में हमें आवश्यकता है। हम जब प्राइवेट में जाते हैं तो हमारा एकमात्र मकसद होता है कि हम 1 या 2 साल काम करें, जब तक गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट में हमारी नहीं निकलती और हम वेट करते रहते हैं उसमें मन लगा के काम करने के बजाय, या एंटरप्रेन्योरशिप माने के बजाय। अभी हमने मंत्रालय में एक नया प्रयोग करने का प्रयास किया, एक आजकल नई नई खोज हो रही है और नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने के सब लोग काम करते हैं, बहुत जगह है स्टार्टअप इंडिया, इस तरह से बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हमने भी एक चैलेंज रखा कि हमने 4-5 प्रॉब्लम्स बताई। हमने एक प्रॉब्लम जिसमें ब्रीडिंग थी, एक प्रॉब्लम शादी आई थी, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट थी, मिल्क अडल्ट्रेशन था, इस तरह से हमने प्रॉब्लम्स दी। और उन्होंने कहा इस पर स्टार्टअप हमें दीजिए। 6 प्रॉब्लम्स थी और पहला प्राइज 10 लाख का था, दूसरा प्राइज 7 लाख का था प्रॉब्लम के साथ। हमें हर प्रॉब्लम में 2 विजेता चुने थे। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ एक स्टार्टअप ऐसा था जिसमें वेटनरियंस इन्वॉल्व थे, मात्र एक। मैं देखता रहा कि मेरा प्रोफेशन, मेरा फील्ड और मेरे दोस्त कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है, कोई पता लगा इंजीनियर है, कोई पता लगा कुछ और है, कोई IIT से है, वो लोग तो आए उसमें, मेरे वेटनरियंस नहीं आए। एक शायद मद्रास से वेटनरियन थी, लेडी वेटनरियन थी हमारी साथी, उसने जो AI गन, जो नया है सोच के भाई हम एक AI गन ऐसी बने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, में कैमरा हो और सही समय पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो सके और बढ़ सके, उन्होंने मुझे बताया कि मात्र 8 से 10 हज़ार की हम मैं गन दूंगी, मैं बना दूंगी 8 से 10 हज़ार की AI गन, एक अलग से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। और उन्होंने बताया कि उसके बाद AI शायद 60-65% मात्र एक वेटनरियन आई। क्या हम सब नहीं आ सकते थे? तो कहीं ना कहीं हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अभी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव इलेक्शंस निकट भविष्य में ड्यू हैं, कोविड की वजह से हो सकता है थोड़ा विलंब हो, मई जून जुलाई हमारा प्रयास है, करीब करीब हम तैयारी भी हो रहे हैं। हमारी 2 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी जब पिछली वेटनरी हमारा VCI थी, जिसमें डॉक्टर उमेश शर्मा प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर गुलदयाल सिंह वाइस प्रेसिडेंट थे, उस समय 2 एकड़ जमीन अलॉट हमने कराई थी IRI से। हमारी एक सोच थी उस समय पे कि एक हमारा पूरा वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ऑफिस हो, एक गेस्ट हाउस हो, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो वहाँ, जहाँ हम बाहर से जो हमारे वेटनरियंस US या कनाडा हमारे साथ ही चले गए हैं कुछ दिन के लिए, वहाँ एक होस्ट, एक गेस्ट हाउस हो कि पूरे देश का वेटनरियंस कभी दिल्ली आए और सर उन्हें कोई समस्या हो तो उसका खुद का एक गेस्ट हाउस हो, वो मेरी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी मैं कह सकता हूँ। डॉक्टर उमेश उस समय मेरे साथ थे, उसमें हम दोनों ने मिलकर ये सोच बनाई थी। लेकिन मेरे मंत्रालय में ट्रांसफर होने के बाद मैं जल संसाधन में चला गया था और VCI के डिफंड होने के बाद हम उस योजना को परवान नहीं चढ़ा पाए। जून जुलाई के बाद जो वेटनरी काउंसिल जिस तरह की भी बनेगी, जो भी भाई उसमें चुन के आएंगे, मेरा पहला काम रहेगा कि हम वेटनरी काउंसिल का एक पूरा अपना भवन, एक गेस्ट हाउस, एक ट्रेनिंग सेंटर, सारा सेटअप तैयार करें, VCI को अधिनय करें और स्टेट वेटनरी जो काउंसिल्स हैं उनको भी मजबूत करने का काम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज मुझे नहीं है, मैंने तो आपको वही बात बताई जो आजकल मैं मंत्रालय में बैठकर सोचता हूँ, जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ, जिन पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और बहुत भारी स्कोप है दोस्तों, आज एक नई बात चली है, फ्री रेंज मुर्गियों में आई है, विदेश में एक्सपोर्ट करने लगे कुछ लोग। एक मित्र मुझे मिले 25 रुपए का कड़कनाथ अंडा बेच रहे दोस्तों। गोट का बहुत बड़ा स्कोप है एक्सपोर्ट का, सारा गल्फ कंट्रीज में गोट मीट का स्कोप है हमारा। फिशरी में बहुत बड़ा स्कोप है, हम पिछली बार एक बात में तय कही कि मैं चाहता हूँ कि फिशरी का और थोड़ा सा बड़ा पार्ट हम अपने इसमें रखें, क्योंकि मैं फिशरी को भी कहीं ना कहीं अपना मानता हूँ। वाइल्ड लाइफ का भी कहीं ना कहीं हमारे कोर्स कुरुकुलम में थोड़ा कम था, कोशिश करेंगे, पिछली बार बात हुई थी चेंज की, अगर भविष्य में उसमें भी बढ़ाएंगे। तो स्कोप बहुत है हमें, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना पड़ेगा, हम सेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। हम अभी बहुत से वेटनरियंस भाइयों की एक डिमांड आई कि FMD और HS इकट्ठा की जाए हरियाणा की तरह। जब पिछली बार मैं मंत्री बना था,
जब ही हरियाणा में HSR FMD इकट्ठा मैंने शुरू कराई थी। अब कहीं स्टेट के वेटनेरियंस की ये रिक्वेस्ट आई है कि HSR FMD इकट्ठी कर दी जाए, हम मुझे लगता है एकदम से तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे FMD और HS की सारी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये हमने निर्णय ले लिया है कि स्टेप बाय स्टेप HS और FMD का हम इकट्ठा वैक्सीनेशन करने का प्रयास करेंगे। कुछ कभी भी आप भाइयों के जो भी मेरे पास मेल के माध्यम से व्हाट्सएप के जाकर पर मेरा नंबर है, जो सुझाव आते हैं मैं प्रयास करता हूँ उन्हें देखने का। और कभी भी आप कभी दिल्ली आए तो सुबह और शाम का समय, आपका एक घर 15 अशोक रोड नई दिल्ली भी है, आप सभी मेरे प्रोफेशनल ब्रदर और सिस्टर हैं, आप सबका भी यहाँ भी एक घर है, कभी भी आप बिना अपॉइंटमेंट के सुबह और शाम को मेरे से मिल सकते हैं। और एक बार फिर सबको बधाई कोविड में काम करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लगातार कभी ना कभी इस बहाने मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। मैं आपके सुझाव भी मुझे मिलते रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, मैं एक आम बैक स्टूडेंट अपने जीवन में रहा हूं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।